हाल ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीट रेट को लेके कुछ नियम कानून लागू किया है और मीट को कम करने के लिए ऑर्डर दिया है। इसी विषय में हम जानते हैं वेंडर्स लॉग से और कस्टमर्स लॉग से। ये जो सुअर मीट आप बिक्री कर रहा है इसका आप लोग केजी किसे दे रहा है? केजी हम लोग 50 बेचता है ना, उधर से ओ ये ग्री करने जागा में इतना दाम से गुटा से एक गावरी का 20,000-30,000 ऐसे बोलता है, हम लोग बेचने के लिए नहीं निकलता है ना। तो आप लोग जो अभी डीसी का जो नया नियम बना है प्राइस का, उसको आप लोग मतलब उसका ना हिसाब में नहीं चल रहा है ऐसे, उसका डीसी का बुला हुआ तो हम लोग बिजनेस है तो हम लोग घटा हो जाए। आपको मजबूरी मजबूरी क्या है? मजबूरी मतलब ये पैसा नहीं निकलगा, पैसा गायब हो जाएगा। जहाँ से लिया है ना उस जगह का कमती करना पड़ेगा, जहाँ से लिया है उससे कमती करके उसका बाद में रेट क्या लगा दो, वहाँ से तरह कमती होके आएगा तो यह भी डाउन करना पड़ेगा ना। और सब्जी का भी हम लोग सब्जी बिक्री करने वाला है, सब्जी कैसे करके देता है गाँव से ना, एक मुट्ठी सब्जी का 30 रुपया, एक मुट्ठी सब्जी का 150 रुपया देता है, उसको लेके हम लोग कैसे कर सके? तो आप लोग का बाजार कमेटी इसको लेके कोई किसी को कंप्लेन नहीं किया क्या? नहीं मालूम नहीं अभी तक। ये लोग का जैसा डीसी ऑर्डर पास कर दिया तो ये लोग का भी मजबूरी हो रही है कि जहाँ से ये लोग खरीद रहे तो उसमें ये हो रहा है, दाम हो रहा है, इसलिए ये अंकिल भी ऐसा ही बोल रहे हैं, वहाँ से कम में नहीं आ रहे, तो ये लोग को भी सर्वाइव करने के लिए दाम तो वैसे ही डालना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो आप सपोर्ट इसके दाम को सपोर्ट कर रहे हैं, डीसी के दाम को सपोर्ट कर रहे हैं? डीसी का को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सबके लिए एक रेट होने से ठीक है। आप लोग डीसी भी ना, डीसी को भी पब्लिक पर्सन करता है, इतना दाम हो रहा है इसे कम करना है, ये करना है वो करना है, डीसी ओके क्यों नहीं करता है ऐसे बोल दिया ना, इसलिए डीसी भी अभी ये रेट बना रहा है। लेकिन रेट बनाने से भी डीसी भी ऐसे होना है, हर जगह में ये सर्कुल देना है ना, कहाँ से सुअर कहाँ से आता है, मुर्गी कहाँ से आता है और लुकियल कहाँ से आता है, भरम कहाँ से आता है, उसको सर्कल देना है। सर्कल दे के ये सामान को आप लोग भी देने होला भी थोड़ा कम के करके दीजिए, उसका बाद ये या में कैपिटल में भी थोड़ा अच्छा से थोड़ा मिलजुल के कुमती करके बिछने दो, ऐसे बोल कर आगे ना वो कागज देने से अच्छा है। सर आपने अभी जो मीट परचेस किया है तो आपने कौन सा रेट लिया है? डीसी के मैंने लिया 450 करके, 450 पर के जी डीसी का रेट, डीसी का रेट आपने लिया, तो इस ये रेट से आप संतुष्ट है कि संतुष्ट है? हाँ सही है, और तो 500 होता था ना, अभी डीसी का रेट आने का बात तो आज पहले बार मिल रहा है 450 में। कब से आप दे रहे हैं? जब से पेपर में आउट हुआ है उस वक्त से हम लोग डीसी रेट में ही दे रहे हैं। तो ये रेट में आपको कुछ परेशानी नहीं हो रहा है, आप लोग का कुछ मार्केट रेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा? नहीं हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। असम बोलो मेटन मालिक, गाउरी मालिक, मुर्गी मालिक और असम आगे डीसी आगे मना करो, इतना दाम से ले आता है। कितना में मिला आपको ये? अभी तक 600 मिले हैं, लेकिन जो पेपर में देखा था 450 बोला था येलो में, तो भाई साहब आपका क्या कहना है इसको लेके? मेरा ये कहना है भैया जी कि असम में भैया सस्ता नहीं है, 600 रुपये किलो वहाँ पे आता है, तो यहाँ में कम करके कैसे बेचेगा? डीसी के रेट में तो अभी देखिए दाम असम में ही ज़्यादा है, डी सर जो दिया है उसको तो मानना पड़ेगा, फिर भी असम में जो ज़्यादा है वहाँ भी थोड़ा जांच कर ले, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा अच्छा होगा, तो हमें दाम ज़्यादा है वो उल्टा यहाँ से खर्चा गाड़ी भरा हमें लेके उससे ज़्यादा गिर जाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का भी बहुत तकलीफ में है, मुसीबत में। तो जो कस्टमर आपको डीसी का रेट सुना रहा है उसको आपको कैसे हैंडल करना है? उसको समझा देता है भाई ऐसे ऐसे असम में ज़्यादा है तो उसको मान जाता है। रिसेंटली डीसी ने मीट को कम करने के लिए बोला है, तो आप लोग क्या लगता है मतलब कम करने के लिए बोला है तो अच्छा है ना खराब है? असम को रूल करने से अच्छा है ना, और असम को दाम लेता है, हम लोग नाम भरा देता है, पानी भरा देता है, बिल लाइन बिल भरा देता है, बीवी बच्चा पला है क्या करेगा? अरे वो तो सो दाम कम करने से तो नाम भरा देने नहीं सकता है, लाइन भरा देने नहीं सकता है, घर भरा देने नहीं सकता है, और बीवी बच्चा पालने नहीं सकता है, वो मरेगा ना।
अच्छा जी, डीसी अरुणाचल कैपिटल ईटानगर, हम लोग का मंत्री सर डीसी। अब आगे ये जो रूल बनाना है तो असम से रूल बना के आओ, हम लोग होलसेल लेता है असम से। हम लोग का ये मार्केट जो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट का है। हम लोग इसको प्राइवेट को भाड़ा देना है, सामान दाम देना है, उसके बाद लाइट बिल है, पानी बिल है, उसको डीसी जो ऐसे रेट कमती करना है बोल के आदमी जो बार्गेनिंग करने से नहीं होगा। आगे ये वो असम से आगे उसमें होलसेल जगह को आप लोग थोड़ा कमती करो बोल के असम से बना के आना है। अगर यहाँ में बनाते बोल के जहाँ तहाँ बनाता है तो पब्लिक लोग उल्टा दुकानदारे लोग झगड़ा करके उर्गू करना शुरू हो जाता है। आगे उसमें रूल को बना के लेके आओ, तब हम लोग भी मानेगा। ये ऑर्डर डीसी जो ऑर्डर दिया है वो अच्छा है। एक महीना पहले हम डीसी को कंप्लेन किया था, मार्केट का रेट जो है आपका जो वेंडर्स लोग जो है हम लोग का बात भी नहीं मान रहा है। तो हम लोग मार्केट घूमी थी तो हम लोग रेट को फिक्स करने के लिए हम लोग का नियम नहीं है वो आपका जो मिनिस्टर थी इसको करना है। तो ऑर्डर अभी ऑर्डर निकला है तो मीट का कम करना है बोलते हैं, लेकिन हम लोग मार्केट का कमिटी को हम लोग ऑर्डर नहीं मिला है। तो इसलिए जो है मार्केट आपका जो बिजनेस कम्युनिटी लोग भी जो उन लोग भी हमको कुछ कंप्लेन नहीं किया है और कहीं से भी हम लोग नॉलेज नहीं है इसका बारे में। तो अभी ऑर्डर निकला है तो डीसी का ऑर्डर को मानना है और जैसे ऑर्डर निकला ऐसा नहीं होना है, चुपचाप नहीं। हम लोग APMC को मार्केट कमिटी हम लोग बैठ के आराम से इसको जो है मार्केट के रेट को बना के हम लोग जो है पास करना चाहिए। हमने वेंडर्स लोग से कंटेक्ट करने के लिए कोशिश किया है तो वेंडर्स लोग का कहना है कि आसाम से रेट जो ज़्यादा होके आता है तो यहाँ में तकलीफ होता है। तो इसी बीच में आप जो वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मार्केट कमेटी के, तो इसी बीच में आपको क्या लगता है, मतलब कुछ करना चाहिए उसको जो है मार्केट को जो है सर्वे करना है। मार्केट सर्वे जो है जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं हार मती बंदर द्वारा आपका जो ललो लेकिन उसका जो रेट जो है पार उधर का जो है आलू को पर केजी को उधर में कैसे सेल कर रहा है और आपका जो मच्छी को पर केजी कैसा सेल कर रहा है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन में कितना जाता है, इसको देख के जो है हम लोग मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज तक हमको APMC में से बोलो या आपका जो डीसी ऑफिस से बोलो हम लोग को ये उसको जो ग्राउंड लेवल का जो मार्केट कैसा है हम लोग को पूछताछ नहीं किया है और ऐसा डायरेक्ट ऑर्डर निकलने से भी नहीं होगा। और जो भी मार्केट बिजनेस करता है एक दो रुपया प्रॉफिट के लिए करता है और ये भी नहीं है कि पूरा 100 रुपया को जो 500 रुपया में सेल करे, ऐसा भी नहीं है। इसको देखना है, हम मिल के करना है। और हमने देखा है कि मार्केट में जहाँ वेंडर्स लोग होते हैं मीट काटने का, स्पेशली जो चिकन जो काटता है वहाँ का मतलब ऐसे माहौल ऐसे है बहुत गंदा है, तो ऐसे प्रेसिडेंट आप इस पर क्या कदम उठाएंगे? उसको ऐसा है सब आप लोग यहाँ का अपना सोसाइटी का लोगों को जानता है, उसको कुछ गाली देने से भी एक्शन लेने से भी गाली हम लोग का ऊपर में रोंग कमेंट मारता है, नहीं करने से भी तो अच्छा नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करें हमको भी समझ में नहीं आता। कभी कभी हम लोग एक्शन लेता है, जब एक्शन लेने से तो क्यों वो गरीब आदमी को ऐसा आपका जो है गाली देता है, एक्शन लेता है, ये बोलता है। तो उसी में इसका बारे में हम बहुत तकलीफ है बातचीत करने के लिए। तो समझ इसको समझना है और जब भी कोई मार्केट कमेटी या डीसी या कोई लोकल MLA कुछ बात करता है तो सपोर्ट करना है। सपोर्ट नहीं करने का वजह से अपना अपना इंटेलिजेंस अपना अपना कंसेप्ट अलग अलग होने का वजह से आज ईटानगर में जहाँ तक बल्कि आपका जो सब्जी में सिर्फ नहीं है आपका कपड़ा से लेके पूरा वेराइटी बिजनेस में पूरा जो है रेट उल्टा पुलटा है। उसको हम बोलने से फिर हमको फिर पूरा मास्क रख पाएगा, इसलिए इसको DC APMC और जितना कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।